तो यहाँ तक हमने देखा कि रफिंग सेमी रफ एंड जेड लेवल यानी कि वॉल मशीनिंग कैसे होता है, कि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें सेमी फिनिश ऑपरेशन कैसे करना है। ओके, अब यहाँ पे आपको मिल सेटअप पे राइट क्लिक करना है, थ्री एक्सिस मिल ऑपरेशन में आप सिलेक्ट करना है और पैटर्न प्रोजेक्ट हमें ऑपरेशन सिलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पे हम बॉल नोज चूज़ करेंगे। ओके, आप यहाँ पे मैं लेता हूँ 6 का स्टैंडर्ड बॉल नोज में चूज़ करता हूँ। फीचर में हमने जो मल्टी सर्फेस बनाया सेम हमें वही सिलेक्ट करना है और उसको हम ओके कर लेते हैं। बराबर सेम ऑपरेशन पैरामीटर का टैग मिलेगा, हम यहाँ से कुछ टूल पैरामीटर चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, फिर स्पीड सेट करना चाहे वो हम सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ RPM भी डाल देता हूँ, जैसे कि 3200 और मैं 800 कर देता हूँ। पैटर्न में यहाँ पे मैं स्लाइस में कर देता हूँ। फिर बाय डिफॉल्ट में यहाँ पे डिस्टेंस कट अमाउंट में 1 mm का डाल देता हूँ, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन ये क्या होता है। अब ये क्या हुआ कि एक्स डायरेक्शन में पूरा 1 mm में कट हो रहा है, बराबर, और पूरा जो है हॉरिजॉन्टल के हिसाब से चल रहा है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, समथिंग इस टाइप का टूलपाथ दिखेगा 3D में, और यहाँ पे अभी ऊपर नीचे के हिसाब से यहाँ पे टूलपाथ बनेगा। ओके, तो ये स्लाइस में कर, अभी इसमें मैं डिग्री डाल दे सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देते 45 डिग्री और प्रीव्यू डालता हूँ, तो उससे क्या होगा अभी 45 डिग्री पर मशीन करेगी, बराबर। तो ऊपर से आपको ऐसा 45 में लगेगा, पर जैसे आप ऐसा करेंगे तो आपको प्रॉपरली विजुअल होगा, बराबर। तो इसमें आप अलग अलग आपका कोई एंगल अगर पार्ट हो तो उसका आप इजीली मशीनिंग कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस मशीनिंग का भी ऑप्शन होता है, जैसे कि स्टैंडर्ड होता है, ऐसा B4 होता है या फिर ओनली होता है। अगर मैं अपनी स्टैंडर्ड सेट कर देता हूँ तो इसमें हमारा जो कटर है ऐसे दो साइड से वो मशीनिंग करता है, बराबर। जो कुछ क्रिटिकल कॉर्नर्स होते हैं, ओके, तो वहाँ पे वो ऐसे दो टाइप में ऐसे वो मशीनिंग करेगा, अब तो एक बहुत कम यूज़ होता है। फिर यहाँ पे बिफोर भी एक बार हम क्लिक करेंगे तो उसमें भी हमें पता चलेगा कि कैसा मशीनिंग हो रहा है, बराबर। तो वो भी मोस्टली आपको सेम ही दिखेगा, आपको पार्ट के हिसाब से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या डिफरेंस होता है, बराबर। ओनली मैं ओनली यहाँ पे करता हूँ तो भी जो कुछ जितना भी हो सकता है उतने हिसाब से यहाँ पे वो मशीनिंग करेगा, बराबर। तो ये क्या कि अगर हमने इससे पहले भी पैटर्न प्रोजेक्ट बना लिया है तो उसमें बाकी कुछ मटेरियल बचा तो उसके लिए हम यहाँ पे इस टाइप का क्रॉस मशीनिंग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ। ओके, अभी स्लाइस में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दूसरी भी मेथड आती है वो सब हम एक बार मीटिंग में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं रेडियल लिया, अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, अभी मैं एक स्टैंडर्ड एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं होल का एक पॉइंट लिया और इसको मैं ओके किया। एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं अभी जो इसमें क्या बनेगा, इसके रेफरेंस से हमारा ये यहाँ पे रेडियल टूलपाथ बनेगा, बराबर। ये देखिए मेरा अभी इसके हिसाब से वो रेडियल यहाँ पे अंदर से बाहर इस टाइप का वो टूलपाथ बना है, अगर सेंटर हमारा ये कंसिडर हो रहा है। ओके, अभी सेम स्पायरल में क्या होगा, सेम मैंने ये पॉइंट ही रखा है गोल का, तो स्पायरल में हमारा समथिंग इस टाइप का वो टूलपाथ बनेगा जो ऐसे राउंड राउंड वो घूम के वो मशीनिंग करेगा। ओके, तो ऐसा कुछ राउंड और ऐसा कोई व्हील टाइप का पार्ट है जो हम आगे हम देखेंगे तो उसमें हम इसका प्रॉपरली यूज़ देख पाएंगे। ओके, फिर यहाँ पे लास्ट मेथड आती है फ्लो लाइन। ओके, तो इसमें मैं कर्व वन में लेता हूँ, उसमें मैं यहाँ पे एजेस सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि ये इस पर आपको ध्यान रख के सिलेक्ट करना है कि आप फेस सिलेक्ट करेंगे तो ऐसा सिलेक्ट होगा। ओके, आपको एज यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कि मेरा कर्व वन ये ऊपर से इस तरह से होगा, बराबर। एक पूरा यहाँ से एक लुक बन चुका है। अभी कव टू में से ये इसका ऑपोजिट में लेता हूँ यहाँ पे, जस्ट आप माउस यहाँ पे रखेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, तो इजीली आप यहाँ पे ओके करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने पूरा एक दूसरी एजिस सिलेक्ट कर ली और अभी हम यहाँ पे प्रीव्यू करते हैं। ओके, तो अभी दिख रहा है कि ये इन दोनों के बीच में ये प्रॉपरली यहाँ पे टूल चल रहा है,
ओके बाकी यहाँ पे क्या हो रहा है पूरा वो पूरा थ्री में ऊपर नीचे हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थ्री स्टेप और एक ऑप्शन आता है वो ऑन कर देती हूँ। ओके तो उसमें क्या कि जो भी कुछ गैप्स होगा वो पूरा वो थ्री में काउंट करके डाउन जाएगा, ये देखिए अभी कॉन्स्टेंट में वो जेड में वो डाउन जा रहा है। ओके तो इस तरह से भी आप यहाँ पे मशीनिंग कर सकते हैं। अभी इसमें दूसरे भी ऑप्शन आता है जैसे कि यहाँ पे मुझे कुछ स्केल अप करना हो बराबर, तो स्केल अप के हिसाब से अगर मैं 0.1 के हिसाब से डाल दूँ तो वो अपना 3D के हिसाब से कैलकुलेट करके वो मशीनिंग करेगा बराबर। तो अगर आपका कोई 3D में पार्ट है तब आप ये प्रॉपरली ये चेक कर पाएंगे। अभी बाय डिफॉल्ट हम डिस्टेंस ही डालते हैं और प्रीव्यू करते हैं। तो अभी हमारा समथिंग टूल पाथ इस टाइप का हो रहा है, बट अभी हमें क्या चाहिए टूल पाथ हमें समथिंग इस टाइप का ऐसा यू टाइप में हमारा मशीन होना चाहिए। ओके तो हमारा प्रॉपर यहाँ पे सेमी फिनिश आएगा। तो उसके लिए अभी फ्लो लाइन हमने मेथड रखा था कव1 कव2 में, यहाँ पे अलोंग देखिए तो अभी दोनों साइड लाइन के अलोंग जा रहा है। अभी मैं अक्रॉस रखूँगा तो उसके परपेंडिकुलर के लिए मैं वो मोशन करूँगा बराबर, ये देखिए अभी पूरा परपेंडिकुलर के लिए मैं मोशन कर रहा हूँ। ओके अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये ऊपर यहाँ पे टच हो रहा है। फिर तो इसको आप यहाँ पे लिंक्स में जाके यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं बराबर, और यहाँ पे आप प्रीव्यू कर दीजिए बराबर। तो अभी पूरा आपका ये इसके अंदर ही वो यहाँ पे चलेगा। ओके इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे कुछ एंट्री एग्जिट चेंज करना हो, जैसे कि अभी एंट्री यहाँ से हो रहा है एग्जिट यहाँ से हो रहा है बराबर, तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पैटर्न में जाएंगे यहाँ पे रिवर्स टेक ओवर का ऑप्शन मिलेगा बराबर, तो अगर मैं रिवर्स टेक ओवर ऑन कर देता हूँ अभी एंट्री मेरी यहाँ से होगी एग्जिट इस तरफ से होगी बराबर, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से वो वर्क करता है बराबर। अब हम यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस कम कर देंगे, ये मेरा लैपटॉप कट है अब इसको मैं 0.2 कर देता हूँ। ओके अब ये जिगजैग फिनिश है, अगर मैं जिग कर दूँ तो क्या होगा तो सिंगल डायरेक्शन में वो मुझे नहीं करेगा बराबर। तो इसमें क्या होगा हमारा टूल पाथ है वो ऐसा लंबा बनेगा तो मोशन हमारी बढ़ जाएगी। आता से कई जगह पे क्या होता है कि हमें कुछ सिंगल डायरेक्शन में मशीनिंग करना होता है स्पेशली, तो उस टाइम ये जिगम ले सकते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे जिगजैग ही रखते हैं ओके। तो अभी प्रॉपरली अभी 0.2 के हिसाब से यहाँ पे मशीनिंग यहाँ पे सेमी रफ सेमी फिनिश यहाँ पे ऑपरेशन हो चुका है। ओके इसको हम ओके कर देते हैं। सो ये हमारा हो गया ऑपरेशन, इसको आप यहाँ पे पोस्ट प्रोसेस करके आउटपुट निकाल सकते हैं और इसको हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमारा जो भी फॉर्मेट है उसके हिसाब से हमें कैसे सेट करना है। ये हमारा आउटपुट आ गया। ओके ये पूरा हमारा जी कोड है, इसको हम बैकप्लॉट करेंगे तो हमारा पूरा इस टाइप का हमें फिनिश का टूल पाथ मिलेगा। यहाँ पे हम प्ले करके भी देख सकते हैं, अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा बड़ा चढ़ा के भी हम देख पाएंगे कि पूरा वन साइड से ये जा रहा है पूरा सेकंड साइड तक ये इस तरह से वो बढ़ रहा है। ओके इसको हम अगर हम सिमुलेशन में देखना चाहते हैं फिर हम इसको हम सिमुलेशन कलर ऐड कर देते हैं, जैसे कि एरिया क्लियरेंस से इसका मैं कलर डाल देता हूँ कि ये कलर होना चाहिए समथिंग, ये कुछ लाइट ब्लू टाइप का, जेड लेवल का मुझे समथिंग चाहिए कुछ ऑरेंज टाइप का, पैटर्न प्रोजेक्ट का मुझे कलर चाहिए कुछ समथिंग स्काई कलर टाइप का। ओके अभी डायरेक्टली मैं पैटर्न प्रोजेक्ट के यहाँ पर सिमुलेशन में करता हूँ और यहाँ पे मैं अप टू करंट डाल देता हूँ और टूल मोड कर देता हूँ एक मिनट, यहाँ पे हम अप टू करंट एंड प्ले करेंगे। ओके तो इसके आगे वाले ऑपरेशन वो सब आ जाएंगे।
क्योंकि हमारा जेड लेवल तक यहाँ पे हो चुका है, थोड़ा मैं स्पीड कम करके यहाँ पे प्ले करूँगा। ओके तो देखिए हमारा ये अपना पैटर्न प्रोजेक्ट फिनिश यहाँ पे चल रहा है, कि जो भी हमने वैल्यू डाला होगा उसके हिसाब से ये चलेगा। हमने 0.2 mm रखा तो 0.2 mm के हिसाब से चल रहा है। ओके तो ये आपको यहाँ पे देखेगा कि ये फटाफट हो रहा है, बट मशीन में जाएगा तो ये टाइम लगेगा। सॉफ्टवेयर जो होता है जस्ट विजुअलाइजेशन के लिए होता है कि अप्रोक्सीमेट हम फिनिश कितना करना चाहते हैं और हमें कितना साइकिल टाइम लग सकता है, वो सब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। बट मशीन में ये एक्चुअली मैक्सिमम 1 आवर 2 आवर 3 आवर तक भी हो सकता है इस पर, जो भी हमने यहाँ पे फिनिश सेट किया हो। इसको हम स्लो करेंगे तो स्लो में भी ये चलेगा, तो आपका टाइम ज़्यादा आएगा। क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा पाउज कर देंगे और यहाँ पे फिर से हम चेक करेंगे शो डिफरेंस में। फिर शो डिफरेंस में अभी दिख रहा है कि अभी ये थोड़ा थोड़ा अभी भी मटेरियल है, बराबर लाइनिंग आ रही है 0.2 0.2 में भी, बराबर वो जो हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत रखी हुई है। ओके तो उसको हम आगे नेक्स्ट फिनिशिंग वीडियो में इसको पूरा फिनिश कर देंगे। ओके तो ये हमारी आप दिख रही ब्लू कलर में जेल लेवल मशीनिंग हुआ था, बराबर नीचे में भी थोड़ा बहुत मटेरियल छूटा हुआ है। ओके तो ये पूरा अभी वो पैटर्न प्रोजेक्ट से वो मैक्सिमम जो है मटेरियल वो यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। ओके फिर फिनिशिंग कटर से पूरा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप कि आपने पूरी सीरीज देखी हो और आपको जो वीडियो अच्छा लगता है आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ओके और आपको कुछ क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, इस वेल डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी भी दी है, तो उसमें भी आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर अगर किसी को कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करना हो कुछ हो तो आप वो हम दे सकते हैं।